नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के गीता कॉलोनी में है और इस पर आज की चौपाल में हम बात करेंगे आने वाले 2024 चुनाव, यानी कि 2024 तो आ गया, अब चुनाव आने वाला है, तो इसको लेकर किस पार्टी की पलड़ा जो इस पर भारी पड़ने वाला, कौन सा पार्टी खिला फतेह करेगा, कौन सी पार्टी नीचे यानी कि हारेगा, इसको लेकर अब यहाँ पे मौजूद कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो है 2024 में किसकी जीत होगी। सबसे पहले तो आप लोग का एबीपी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब एबीपी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो जनता की राय है, जो जमीनी हकीकत है, वो जो है एक जो है चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अजय नागपाल है और मैं छात्र राजनीति को देखता आया हूँ, छात्र राजनीति से राजनीति देखता आया हूँ। वो भी एक दौर था, कांग्रेस का दौर था, जो है राजीव जी का दौर था, जिन्होंने जो है 18 साल के जो है युवा को जो है वोट देने का अधिकार दिया। वो भी एक दौर था जो शीला दीक्षित का जो दौर था, शीला दीक्षित जो है 15 साल जो मुख्यमंत्री रही, जिन्होंने दिल्ली को जो है फ्लाई ओवर की दिल्ली बनाया, दिल्ली को चमकाया, अस्पतालों को जो है अस्पतालों को सुधारा, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो विश्वविद्यालय हो, उन सब इंस्टीट्यूशन को सुधारा। उनका मानना था कि अगर हमारा इंस्टीट्यूशन सुधरेगा तो हमारा युवा सुधरेगा, और युवा अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसको रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उसका परिवार अच्छा होगा। लेकिन अब जो जैसे कि मैं मुद्दे पर आता हूँ, जैसे कि लोकसभा चुनाव आ रहे 2024, आप देखिए जो चाहे केंद्र में जो बैठी भाजपा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब ये मंच पर बोलते हैं तो इनसे महंगाई का महाशब्द तक नहीं निकलता है, और जनता त्राही त्राही कर रही है। जो सिलेंडर 450 का मिला करता था, आज वो 1100 के लगभग पहुंच गया है। शर्म आनी चाहिए केंद्र में बैठी सरकार को। कहां है वो स्मृति ईरानी जो जो है 500 के सिलेंडर पर जो है सड़कों पर बैठ जाया करती थी, कहां है? अब उन्हें दिखाई नहीं देता, 1100 का सिलेंडर हो गया है। आज देखिए, आज इंस्टीट्यूशन में आज आप देखिए, अब जो महिला जो हमारी जो एथलीट्स बैठी हुई थी, उनके जो मंत्री हैं जो छेड़छाड़ करते हैं और जो बात करते हैं जो है महिला न्याय की बात करते हैं, आज कहां है वो? क्यों नहीं सड़कों पर बैठती है? क्या इनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है? इनके चेहरे, इनके मुंह में मठा जम गया है? आज ये जितने भी ये सब लोग हैं, ये सरकार के पिट्ठू हैं, ये डरते हैं अपने आका से, डरते हैं उस बाबा से, जो एक बाबा है, ये रंगा बिल्ला की जोड़ी इस देश को बर्बाद करके रहेगी। और ये हम आपको ये बताते हैं, और ये युवा जागरूक हो चुका है, और ये महिला जागरूक हो चुकी है, ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी और इनको संसद से उठा के बाहर फेंकेगी। आप बोल रहे हैं, लेकिन इस चीज को मानता हूँ, लेकिन फिर भी तो अगले आने वाले चुनाव में 400 की पार का दावा कर रही है बीजेपी। सर, 400 के पार का दावा तो इसलिए सेट कर रही है ना, ये 500 भी कर सकते हैं, ये 600 भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल ईवीएम का है। मैं कहता हूँ बैलेट पेपर से आप चुनाव कराइए ना, आप 150 पे निवट जाए ना, आप 120 पे निवट जाए, तो आप जो मर्जी कह दीजिएगा, मैं जो दिल्ली छोड़कर चला जाऊंगा। और बताइए, 400 के पार बीजेपी सरकार? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को समझना पड़ेगा कि 400 पार का अगर एक इंसान नारा लगा रहा है तो उसके पास कौन सी ताकत है ऐसी। आपने सुना था कि राजा की जान तोते में थी, आज इनकी जान ईवीएम में है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, ईवीएम आपको लाइव हैक करके दिखाएगी कल जंतर मंतर पे, किसी ने कवर नहीं किया। आज इतने जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहे हैं, कभी वकील छेड़ रहे हैं, कभी कोई सामाजिक लोग छेड़ रहे हैं, कभी किसान विरोध कर रहे हैं, कभी महिलाएं विरोध कर रही हैं। अरे, जिस चीज़ का इतना विरोध है उसे बंद कर दो ना। अगर आप सच्चे आदमी हो तो आप ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से करा दो एक बार चुनाव, फिर आप 400 पार हो या 40 पार हो, वो तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने सबसे बड़ी बात है चंडीगढ़ में देख लिया, जिन्होंने एक मेयर नहीं चुनने दिया, आपको लगता है वो प्रधानमंत्री किसी और को चुनने देंगे? कभी नहीं चुनने देंगे जी। आज की डेट में ईवीएम इनके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिसके सारे गद्दी पे बैठे हैं। आप ईवीएम बैन कर दो, इनकी आवाज़ पूरी की पूरी एकदम ऐसे बैक 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 करके भाग जाएगी। तो आज हम एक देश की बात करते हैं कि देश मुद्दों पे चुनाव मांगता है, देश मंदिर मस्जिद के मुद्दों पे चुनाव नहीं मांगता। जब सरकारें चुनी जाती हैं तो वहाँ पे ये नहीं लिखा जाता कि हम ये मंदिर या मस्जिद की लड़ाई के लिए, चुनावों के लिए अपने मैनिफेस्टो लागू कर रहे हैं। आप एक ज़मीनी लड़ाई लड़ते हो, किसान दोबारा बैठने को तैयार है, महिलाएं बैठ बैठ के चल दी। आप ये नहीं देखो ना, जिन किसानों को तुमने झूठा प्रलोभन दे के 2 साल पूरा इस्तेमाल करा और उसके बाद आज वो दोबारा बैठने की कगार में है, तो ये सोचना पड़ेगा आप किसके लिए खड़े हुए हो। ना आप किसानों के लिए खड़े हुए, ना आप युवाओं के लिए खड़े हुए। पिछले 8 साल 10 साल में मोदी सरकार में जितने आंदोलन खड़े हुए हैं, आप मुझे एक आंदोलन की कामयाबी गिनवा दो, एक आंदोलन जो कामयाब हुआ हो, क्योंकि इनको मतलब ही नहीं है। इनकी नज़र में दुनिया जो हुआ हुआ करती रहे, हम लठ मारेंगे, हम पुलिस भेज देंगे, हम उनका तंबू खुड़वा देंगे, आंदोलन खत्म कर देंगे। तो सच्चाई ये है जी, युवा परेशान है, बेरोजगार है। आज हमारे देश की महिलाएं न्याय के लिए जाती हैं, आज इनके बाबा जी जो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि आज हम लोगों को मंदिर चाहिए, आज वही बाबा इनके जाके अस्पताल में लेटते हैं कि हमें बीमार हो गया, मेरी छाती में दर्द उठ गया। तो आपको सोचना पड़ेगा,
आपको सोचना पड़ेगा, देश की बुनियादी मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए और ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका हल होना बहुत जरूरी है। ईवीएम हटाओ, वॉलेट पेपर लाओ, क्या कहेंगे? जी बढ़िया बात कही हमारे गुरु जी ने, बहुत बेहतरीन बोले ये, और ऐसे ही होना चाहिए, मशीनें हटाओ। और 2024 चुनाव में कौन? जी मैं यूपी से हूँ। 2024 चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, किसकी जीत होगी और किस मुद्दे पे आप वोट देने वाले? कांग्रेस की जीत होगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस की जीत होगी और इनका बिस्तरा बंधेगा। किसका? बीजेपी का। हाँ, बीजेपी का बिस्तरा बंद होने की बात कर रहे हैं। बीजेपी का बिस्तरा बंद होने का, आप देश में हालात देख रहे हो जिस तरह से हो रहा है, झारखंड में आपने देख लिया, चंडीगढ़ में आपने देख लिया, क्योंकि जनता इस तरह से परेशान हो चुकी है और इस समय से जनता निकल के आ रही है, उन्हें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन जहाँ तक उनके अपने व्यक्तिगत काम है उनको कोई ढूंढने नहीं। जैसे आप युवाओं का, युवाओं का कोई न्याय नहीं मिला, आप अग्निवीर की बात कर लो कि चार आदमियों में से एक आदमी को रखेंगे, तीन आदमी को निकाल देंगे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है। किसानों के लिए कोई न्याय नहीं मिल रहा, नारी नारी के लिए, नारी इतनी परेशान, और जितने भी लोगों के रेपिस्ट जो इनकी पार्टी के लोग थे बंद थे, उनको सबको एक आटा मतलब ऊपर उठ के उनको वहां से छुड़वा देते हैं। एक गरीब आदमी बेचारा जेलों में कितने दिन से पड़ा है, उनको पर ऐसी धाराएं लगा रखी है कि उनको इतनी उसकी हालात इतनी हो जाती है कि जितना उनके सजा नहीं है उस केस में, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और जो बड़े बड़े लोग हैं जो इनकी पार्टी से रिलेटेड है, चाहे वो रेपिस्ट है, चाहे वो कितने भी खतरनाक लोग हैं, उनको ये ओवरटेक करके उनको निकाल लेते हैं, उनको टिकट भी दे रहे हैं, वो पार्टी में भी है। मेरे सपने में एक चीज ध्यान है, आम आदमी अब इनको समझ चुका है। जो आदमी पहले किसी और पार्टी में है उसके खिलाफ दुनिया भर की फाइलें खुली हुई है, उनके दुनिया भर की इंक्वायरियां चल रही है। जैसे ही वो आदमी बीजेपी में चला जाता है उसकी सारी फाइलें बंद हो जाती है, उनको सारी फाइलें बंद हो जाती है और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो दूध के धले हुए हो जाते हैं। तो ये दो तरह का व्यवहार इस पार्टी का बहुत खतरनाक है और आने वाले समय में अब लोग सब समझ चुके हैं और सब लोग इनसे बड़े परेशान हो गए। तराई तराई मची हुई है, हर आदमी अपने आप खुद से निकल के आ रहा है, उन्हें बात पर किसी पार्टी से इंटरेस्ट नहीं है। उनको ये है कि देश के अंदर जो आज चल रहा था ये बहुत खतरनाक है, ये तो अंग्रेजों से बुरा काम करे। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बीजेपी ने लगा रखी है, कहते हैं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसने डिक्लेयर करके लगाई थी, लेकिन आज जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उससे भी बदतर लोगों के साथ हो रहा है। अब राम मंदिर बनने के बाद आप कह रहे हैं राम मंदिर बनने, आप भी भगवान राम के भक्त हैं, राम मंदिर बना फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार वापस नहीं? एक बताइए आप, मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं एबीपी साहब का, कि जी आप एबीपी न्यूज से आप यहां आए हैं। और आप ये बताइए, ये बताइए आप कि ये मंदिर और मस्जिद बनवाने के लिए पीएम को चुना था हमने? सारे पांच बनाने के लिए यदि चुना होता, किसी बाबा को चुन लिया होता तो वो बाबा बनवा देता। देश का विकास करने के लिए पीएम को चुना गया था या मंदिर बनवाने के लिए चुना गया था या मस्जिद बनवाने के लिए, मस्जिद तोड़वाने के लिए बनाया गया था? ये जो देश में जो चल रहा है ना, जो देश में चल रहा है मोदी और आपका अमित शाह का, ये गलत है। ये सारा सिस्टम, इन्होंने ये सिस्टम कैसा बना रखा है पता क्या है? जहां सत्ता दूसरे की आ रही है वह सत्ता को रोक देना है, जहाँ सत्ता बहुमत में है उसकी भी उसके विधायकों को खरीद लेना है। वो खरीद में नहीं आते हैं, उनको खरीद में नहीं आते हैं तो उनके एक मुखिया को या मुख्यमंत्री को, जैसा नीतीश को तोड़ लिया, जबरदस्ती तोड़ लेते हैं, नहीं तोड़ेंगे तो उनको ईडी घर भेज देते हैं, तो वो डर के मारे इनके साथ शामिल हो जाता है। यानी कि जो 2024 का चुनाव जो लोकसभा होगा उसमें किसकी जीत होगी, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस? देखिए ये तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इंडिया की जीत होगी, लेकिन जो यदि ये ईवीएम, अभी मैं एडवोकेट हूँ, मेरा नाम एसपी सिंह है, मैं खुद एडवोकेट हूँ और खुद इसके ईवीएम के खिलाफ धरना दे रहे हैं हम लोग, लेकिन यदि ये ईवीएम खत्म हो जाती है तो मोदी जी कहीं भी नहीं रहेंगे। आज देखिए सुब्रमण्यम स्वामी ने इतने बढ़िया वचन दे रहे हैं, इन्हीं के खास आदमी है, इन्हीं के पार्टी का आदमी है, इन्हीं के पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि इनकी क्या स्थिति है मोदी के, मैं पत्ते खोल दूंगा तो मोदी के तार तार हो जाएगा। उसके खिलाफ कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं है, उनके खिलाफ कोई सीबीआई इंक्वायरी है? जो इनके यहाँ गलत काम हो रहे हैं, जो सीबीआई इंक्वायरी ईडी वगैरह कोई जा रहा है इनके, इनका एक आदमी जो रेपिस्ट हैं उनको क्या हो रहा है? कुछ हुआ ना उनका? कभी ईडी उनके यहाँ गई? अभी जितनी महिलाएं वहां बैठकर चली गई, मोदी का एक शब्द आपने सुना पहलवानों के साथ में? एक शब्द सुना मोदी का कि भाई ये लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है? जो एक देखिए ये मणिपुर में जितना इतना कांड हो रहा है, मणिपुर में कभी भी उन्होंने एक शब्द बोला? मीडिया वाले कोई दिखा नहीं रहे,
जो गोदी मीडिया है वो तो दिखाती नहीं है ऐसी चीजों को, वो क्या दिखाते हैं? हाँ जी आप बताइए, मंदिर में क्या हो रहा है और ये मस्जिद में क्या हो रहा है? अपनी मीडिया है, सरकारी स्कूल है बगल में, कहीं भी अंदर बच्चे नहीं है, क्लासरूम और लाइटें जल रही हैं, है जहाँ काम होता है कंस्ट्रक्शन रुकी है, प्रदूषण हो रहा है, लेकिन स्कूलों के अंदर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, वहां क्यों चलता है भाई काम? लवली जी, मैं राजगढ़ रहता हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, ठीक है सर। लवली जी को मैं बचपन से, मैं छोटा था तब से हमारे गली मोहल्ले में आते थे, आज कई साल हो गए, इनका ना आता है ना पता है, कहाँ रिपोर्ट लिखवाने जाए सर जी, ये बताए कहाँ रिपोर्ट लिखाने जाए? आज एक बार लवली जी सामने मिले थे, मैंने कहा सर आप हमें भूल गए, राजगढ़ वालों को भूल गए। पुलिस किसके अंडर में है? बीजेपी के अंडर है ना भाई, ये तो है नहीं कि कांग्रेस के अंडर है, कांग्रेस ये करा देती है। जब भी हम कोई प्रदर्शन करते हैं वहाँ फोर्स ऐसा लगा दिया जाता है जैसे कि कोई आतंकवादी है, फोर्स इतना लगा देते हैं कि कोई आतंकवादी है तो ये अंडर किसको? देखिए तार इनके कहाँ से जुड़े हैं, दिल्ली है ना, स्टेट है, टेरिटरी है, यहाँ पर क्या है, पूरा अमित शाह के लिए फोन जाता है कि ये जो देखिए ये होने वाला है, पूरी फोर्स लगा दो। क्या पहले ऐसा हुआ करता था? क्या कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ था? इनका नष्ट होने वाला है, देश खत्म होने वाला जब तक ये है, हाँ जब तक ये बीजेपी है जब तक खत्म होने वाला। 2024 में किसको किसको वोट देने वाले? 2024 इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडियन गठबंधन, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनका सरकार इसलिए आएगी, इंडिया गठबंधन आने का कारण क्या है? इंडिया गठबंधन आने का कारण क्या है? इंडिया गठबंधन इसलिए आएगी कि राहुल गांधी जो देखिए न्याय संकल्प लेके चल रहे हैं, न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? वो गरीब आदमी से जुड़े हैं, एससी एसटी ओबीसी दलित समाज है, माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी ये सबको लेके चल रहे हैं। ये किसको खाना खराब कर दिया बीजेपी ने, ये किसको लेके चल रहा है और किस पे कर रहे हैं? राष्ट्रपति कौन है, किस कोटे से है ये बताएं आप, राष्ट्रपति किस कोटे से है? उन्हीं पे काम कर रहे हैं, नाम मात्र के लिए है, नाम मात्र के लिए है, उनको बुलाए खाने के लिए के बाद छूत का बीमारी लग जाएगी, वो अपवित्र हो जाएगा, मंदिर अपवित्र हो जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति को बुलाया नहीं। राष्ट्रपति देश का पहला व्यक्ति होता है, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे से ज्यादा थोड़ा ना जानते हैं, सही बात है, देश का पहला व्यक्ति है, उसको क्यों नहीं बुलाया गया वहाँ? क्यों? अनुसूचित थी, अनुसूचित जाति से वो संबंध रखते थे, इसलिए उसको नहीं बुलाया गया। और ये छुआछूत का कारण किसने, बीजेपी ने पैदा किया हुआ है, उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, छुआछूत ऐसा व्यवहार बीजेपी कर रही है। और 2024 चुनाव पे क्या कहना है? देखिए बीजेपी 10 सालों में, 10 साल बीजेपी को होने जा रहे हैं, एक काम उनका दिखा दीजिए, एक काम, सिर्फ एक काम, एक काम बता देंगे, मैं सारी कांग्रेस को लेकर बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। कोई काम नहीं किया है, कह रहे हैं जी कांग्रेस ने क्या किया है 70 साल में, क्या 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 नहीं कर दिया है 70 साल में, क्या क्या नहीं हुआ है सर बताइए मुझे, है 10 साल में इन्होंने क्या किया है? कह रहे ना हम आए हैं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या किया है 10 साल के अंदर? 10 साल उनके बिल्कुल बेकार गए हैं, कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, और ना वो कर सकते हैं, उनकी कोई नीति नहीं है, उनकी कोई भी नीति नहीं है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। 2024 में किसके साथ जा रहे हैं? मोदी के साथ, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ, गठबंधन की जीत होगी 2024 में। अब व्यापारी भवन से गठबंधन, एनडीए या इंडिया? इंडिया, इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव गठबंधन जो होगा, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। 2024 में किसके साथ? बीजेपी में जी, मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ। अभी लोग आरोप है कि बीजेपी तो काम नहीं कर रही है, फिर बीजेपी के साथ राहुल गांधी? अरे वो ऐसा जो कांग्रेस वाला है ना, वो कह रहा है मोदी नहीं काम कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सीधी बात है। और जो बीजेपी वाले हैं उनको पता, और लोगों को पता कि काम हो रहा नहीं हो रहा, सबको पता। इनका एक ही ऐसा क्यों क्यों बीजेपी वाले के जितने लोग हैं, बीजेपी की पार्टी जुड़े हुए कार्यकर्ता या जो भी उनके मंत्री से, मैं एक्चुअली मैं ना बीजेपी से जुड़ा हूँ ना कांग्रेस, आम लोग, आम आदमी। हमें पता राम मंदिर बन गया, किसी ने नहीं बनवाया, वो काम मोदी के राज में हो गया, इससे बड़ा काम नहीं है वो, कि राम भगवान अपनी छत पे, अपनी छत के नीचे आ गए, सबसे बड़ा काम यही है। और अब तो उन्होंने कह दिया, कांग्रेसियों ने कह दिया कि अब तो 400 पार हैं, कल बोला है तो है, अब तो 400 पार हैं, अब तो उन्होंने कह ही दिया।
400 के पार सर, 400 के 400। सुनिए मोदी जी के, मोदी 100 सीटर आएंगी बीजेपी की। इनका एक ही नारा हिंदू मुसलमान, बस दूसरा नारा कोई नहीं है। पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान था और अब एक हिंदू मुसलमान, बस यही नारा, इसके अलावा कोई नारा नहीं। बीजेपी में खुद में फूट पड़ी हुई है, ये बिल्कुल समर्थक नहीं है, इनके आधे लोग समर्थक नहीं है, तो सारे चुपचाप डिक्टेटरशिप लगे हैं मोदी पास, हिंदू मुसलमान बस ये नारा, डिक्टेटरशिप चल रही है इनकी। मोदी की डिक्टेटरशिप में देखिए कोई मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री कहीं पर बैठता बराबर में? जैसे हम बोल रहे हैं कांग्रेस में छूट है ना बोलने की, लेकिन मोदी के यहाँ किसी की छूट है बोलने की? किसी का फोटो लग सकता है बराबर? अनुशासन है उसके पार्टी में, इसको अनुशासन कहेंगे या डिक्टेटरशिप कहेंगे? अनुशासन कहेंगे या डिक्टेटरशिप कहेंगे ये बताइए आप। डिक्टेटरशिप है ये, डिक्टेटरशिप है या अनुशासन है? कि देखिए योगी के समय में योगी के यहाँ हो रहा है मंदिर में, और योगी को अंदर नहीं जाने दिया, योगी को फोटो भी नहीं खिंचाने दिया, योगी को साथ नहीं खड़े करने दिया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और वगैरह वगैरह, ये सब क्या आरोप प्रत्यारोप है? ये सर कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी और 400 के पार आएगी। देखिए बहुत अच्छी बात है, अगर भाई बीजेपी का समर्थक है तो इसमें क्या विरोध है? अरे भैया पूरे देश के अंदर समर्थक नहीं है, वो तो बोले एक आम पब्लिक है, आम लोग, आम पब्लिक वोट तो देती है या नहीं देती? आम पब्लिक वोट नहीं देती क्या? कोई ना कोई आदमी किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होता है, अगर भाई हिंदू तत्व की विचारधारा से प्रभावित है तो भाजपा को वोट देगा। हम भैया हिंदुस्तान की विचारधारा से प्रभावित, हम कांग्रेस को देंगे, हम देशहित की बात करेंगे, हमने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन देखे हैं, हमने लोगों को जमीन से उठ के ऊपर तक जाते देखा है। तो आज की डेट में हमारे देश के अंदर आप ये बात नहीं सोच सकते कि भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी, वही पार्टी आएगी जिसने देश बचाया है, वही पार्टी आएगी जिसने लोकतंत्र बचाया है, वही पार्टी आएगी जिसने संविधान की लड़ाई लड़ी है, और भाजपा ने संविधान खत्म करने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा तो संविधान खत्म करने का काम कर रही है सर। अब लोग तो पता नहीं, नहीं अब तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, क्या क्या करा ये तो अब जब वोटिंग होगी तब पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी तब हो जाएगा बस, और क्या। पता नहीं है संविधान क्या चीज है, और संविधान बहुत लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त मैं मौजूद था दिल्ली के गीता कॉलोनी पे, और यहाँ से हमने आज के चौपाल में बात की 2024 चुनाव को लेकर, जिसमें यहाँ पे काफी लोग उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नहीं बात की, यहाँ पे एनडीए वर्सेस इंडिया जो इंडिया एलायंस है उसकी बात करी। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया एलायंस जीतने की जो दावे कर रही है वो सही है, और उनके साथ ये नजर आते दिख रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग एनडीए के भी साथ दिखते हुए नजर आए। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। Thank you.